नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 2 व्यवहारों की दोहरी असर और खाता के प्रकार के लेक्चर नंबर 2 के अंदर आज अपने पढ़ने वाले हैं खाते के प्रकार या टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। बिल्कुल सिंपल इजी वे से अपने समझेंगे कि खाते के कौन कौन से प्रकार हैं और कौन कौन से खातों का किसके अंदर समावेश होता है। तो देखने जाएंगे तो खाते के प्रकार को दो भागों में बांटा गया है, एक है व्यक्तिगत खाता और दूसरा है अव्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत इट मीन्स पर्सनल अकाउंट्स और अव्यक्तिगत इट मीन्स इम्पर्सनल अकाउंट्स। ओके, अव्यक्तिगत खाते के फिर दो भाग हैं, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, इट मीन्स रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स। यानी समझने जाए तो खाते के टोटल 3 प्रकार हैं, व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। मुख्य दो भाग है व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाते में दो, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता। अब समझते हैं कि व्यक्तिगत खाता है क्या और व्यक्तिगत खाते में किन किन खाताओं का समावेश किया जाता है। तो व्यक्तिगत खाते को व्यवस्थित समझने के लिए अपने व्यक्तिगत खाते को अलग अलग भागों के अंदर मैंने क्या किया है, बांट दिया है। तो व्यक्तिगत खाता इट मीन्स क्या होता है, तो व्यक्तिगत खाते के अंदर कौन कौन से खातों का समावेश आता है, तो व्यक्तियों, फर्मों, निगमों, संस्थाओं तथा कंपनियों से संबंधित खाते। ऐसे खाते जो पर्सन से रिलेटेड हो, किसी फर्म से रिलेटेड हो, किसी निगम से रिलेटेड हो, किसी संस्था से रिलेटेड हो या फिर किसी कंपनी से संबंधित रिलेटेड हो, तो ऐसे सभी खातों का समावेश व्यक्तिगत खाते में होता है। ऐसे खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं, राइट है। व्यक्तिगत खातों को टोटल 3 भागों के अंदर बांटा गया है। पहला जो है वो है प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट। दूसरा जो है वो कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। और तीसरा जो प्रकार है वो है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, राइट। अब प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंदर कौन कौन से खाते आते हैं, तो व्यवसाय के स्वामी से संबंधित, स्वामी इट मीन्स ओनर, जो मालिक है, तो व्यवसाय के मालिक से संबंधित सभी खातों का समावेश प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों में होता है। दूसरा, जिसके अंदर माल या नकद देने वाले का खाता हो या फिर माल या नकद पाने वाले के खाते हो, तो ये देने वाले और पाने वाले के खाते का भी समावेश प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंदर होता है। यानी क्या कि जिसके अंदर प्राकृतिक व्यक्ति, कुदरती व्यक्ति का नाम दिया हो तो वह खाता कैसा है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता कहलाता है। जैसे मोहन का खाता, जयेश का खाता, सुरेश का खाता, निशा का खाता, सलमान का खाता, शाहरुख का खाता, तो ये सभी नाम के जो खाते हैं, ओके, तो इन सभी खातों का समावेश किसमें होता है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खातों के अंदर यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर होता है। क्लियर हुआ आपको, ओके। तो व्यवसाय के स्वामी के खाते यानी मालिक के खाते, माल या नकद देने वाले के खाते और ये माल या नकद पाने वाले के खाते का समावेश व्यक्तिगत खाते के अंदर किया जाता है। अब आते हैं कि कृत्रिम व्यक्तिगत खाता यानी आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या होता है, तो जो जिनको क्या है बनाया गया है, राइट, जिनको बनाया गया है, तो उन सबका समावेश कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंदर होता है। जैसे कंपनियों के खाते हो, बैंक के खाते हो, बीमा कंपनी के खाते हो, संस्था या फॉर्म के खाते हो या सरकार के खाते हो, तो इनका निर्माण किया गया, इनको बनाया गया, तो इन सभी का समावेश किसमें होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट के अंदर किया जाता है। इसके उदाहरण को देखेंगे तो रिलायंस कंपनी का खाता, ये कंपनी का नाम आया तो कौन सा खाता हो, यह व्यक्तिगत खाता हुआ, पर व्यक्तिगत खाते में कौन सा, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। अहमदाबाद शाखा खाता तो सिटी का नाम आया, पर ये व्यक्तिगत खाता तो है ही है, पर व्यक्तिगत खाते में कौन सा व्यक्तिगत खाता, तो ये आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। गुजरात सरकार का खाता तो ये भी कौन सा, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता कहलाएगा, ओके। तो कुदरती व्यक्तिगत खाता यानी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता हो या कृत्रिम व्यक्तिगत खाता हो, इन दोनों का समावेश व्यक्तिगत खाते के अंदर किया जाता है, राइट है। व्यक्ति का नाम हो, कंपनी का नाम हो, बैंक का नाम हो, बीमा कंपनी का नाम हो, संस्था का नाम हो, सरकार का नाम हो, फर्म का नाम हो, तो इन सबका समावेश व्यक्तिगत खातों के अंदर होता है। तीसरा जो प्रकार है उसको खास देखना है अपने को, वो है प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता यानी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जब एक खाता किसी व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों का क्या कर रहा हो, प्रतिनिधित्व कर रहा हो, तो उन खातों को अपने प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता कहते हैं। उदाहरण देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा। उदाहरण है पूंजी खाता, तो पूंजी खाता किसको रिप्रेजेंट करता है, तो पूंजी खाता धंधे के मालिक को रिप्रेजेंट करता है। किसको प्रतिनिधि करता है, वो धंधे के मालिक से, क्योंकि धंधे का मालिक धंधे में यदि संपत्ति, माल या नकद लाता है तो उसे अपने क्या कहते हैं, पूंजी कहते हैं। तो ये कौन सा खाता हुआ, व्यक्तिगत खाता हुआ, क्योंकि व्यक्तिगत खाते में भी कौन सा, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। फिर है आरण का खाता, तो आरण का मतलब क्या हुआ, धंधे का मालिक धंधे में से, तो किसको प्रतिनिधि कर रहा है, ये धंधे के मालिक को कर रहा है। उसके बाद अदत या पूर्वदत्त खर्च हो तो ऐसे चुकाने बाकी और
चुकाना बाकी खर्च हो या पहले से चुकाए खर्च हो, तो वो भी किसी ना किसी व्यक्ति से संबंधित रिलेटेड होते हैं। ओके, व्यक्ति को क्या करते होते हैं, प्रतिनिधित्व करते होते हैं। तो ऐसे खातों का भी समावेश व्यक्तिगत खातों के अंदर किया जाता है। क्लियर? ओके, तो इन शॉर्ट आपको क्या समझना है कि यदि किसी का खाते का नाम व्यक्ति का नाम दिया हो, फर्म का नाम दिया हो, निगम, संस्था, कंपनी से संबंधित सभी खाते व्यक्तिगत खाते हैं। व्यक्तिगत खातों को टोटल 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक का मतलब क्या हुआ, जो व्यक्ति के स्वामी से संबंधित हो, मालिक से संबंधित हो, माल या नकद देने वाले से संबंध नाम दिया हो या माल या नकद पाने वाले का नाम दिया हो। कृत्रिम व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ, कंपनियों के खाते, बैंक के खाते, बीमा कंपनी, संस्था, सरकार या फर्म के खातों का समावेश इसके अंदर किया जाता है। और प्रतिनिधि का खाता जो मालिक से संबंधित हो या किसी व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता हो या कुछ अन्य व्यक्ति को प्रतिनिधित्व करता हो, तो ऐसे सभी खातों का समावेश प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाते के अंदर किया जाता है। क्लियर? ओके, क्लियर हो गया व्यक्तिगत खाता। ओके, दूसरे नंबर पे आता है अव्यक्तिगत खाता यानी इम्पर्सनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर कौन कौन से खाते आते हैं उनको अपने व्यवस्थित देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो अव्यक्तिगत खाता यानी क्या, तो जो खाते व्यक्तिगत खातों को छोड़कर जो खाते क्या है पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो वो सभी खाते कैसे हैं अव्यक्तिगत खाते, क्योंकि 3 ही तो प्रकार है, एक व्यक्तिगत खाता और अव्यक्तिगत के अंदर दोनों आ गया, माल का खाते, संपत्ति के खाते, उपज और खर्च के खाते। तो व्यक्तिगत खातों को छोड़कर अन्य सभी खाते कैसे कहलाएंगे, अव्यक्तिगत खाते कहलाएंगे यानी इम्पर्सनल अकाउंट कहलाएंगे। इम्पर्सनल अकाउंट के अंदर पहला जो आता है भाग है वो है माल संपत्ति खाता, जिसे अपने वास्तविक खाता भी कहते हैं। ओके, ऐसे तो इसके 2 प्रकार है, वास्तविक और अवास्तविक, जिसको अपने माल संपत्ति या उपज खर्च खाता कहते हैं। तो माल संपत्ति खाते का दूसरा नाम क्या है, वास्तविक खाता, जिसको अंग्रेजी में अपने रियल अकाउंट कहते हैं। राइट, तो माल संपत्ति खाता यानी क्या, वस्तु संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो, वस्तु संपत्ति या अधिकारों से संबंधित हो उसे माल संपत्ति खाते कहते हैं या वास्तविक खाते कहते हैं। क्या क्या चीज, वस्तु संपत्ति और किसी अधिकार से रिलेटेड कोई भी खाता हो तो वह वास्तविक खाता कहलाता है। माल संपत्ति खाते को व्यवस्थित समझने के लिए अपने उसको 2 भागों में बांट देते हैं। माल संपत्ति खाते में 2 खाते होते हैं, एक होता है माल का खाता और दूसरा होता है संपत्ति का खाता। माल के खाते में कौन कौन से खाते आते हैं, तो खरीदी, बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी या फिर धंधे में से अन्य किसी भी तरह से गया और दिया माल का समावेश माल के खातों के अंदर होता है। और संपत्ति के खाते में कौन से खाते आते हैं, तो संपत्ति के अंदर सभी संपत्तियां, दृश्य संपत्तियां, अदृश्य संपत्तियां, चालू संपत्तियां। दृश्य बोले तो छू सकते हैं या देख सकते हैं, जमीन, मकान, यंत्र, फर्नीचर, प्लांट, वाहन, व्यवहार, जो दीर्घकालीन संपत्तियां होती है। अदृश्य संपत्ति यानी जिसको छू नहीं सकते या फिर जिनका लाभ धंधे को मिलता हो, ख्याति, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, अदृश्य संपत्तियां, टेंजिबल, इनटेंजिबल। फिर आते हैं विनियोग, विनियोग भी अपने लिए क्या है, संपत्ति है। और उसके बाद सभी चालू संपत्ति यानी देनदार, रोकड़ सेस, बैंक सेस, इनका समावेश भी संपत्ति के खातों के अंदर किया जाता है। क्लियर हो गया आपको? तो माल संपत्ति खाता यानी कौन सा खाता, वस्तु संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खाते को अपने माल संपत्ति खाता कहते हैं। माल संपत्ति खाते में माल के खाते, संपत्ति के खाते, माल के खाते में खरीदी, बिक्री, खरीद वापसी, बिक्री वापसी या अन्य किसी भी तरह से गया और दिया माल। संपत्ति के खाते में दृश्य संपत्तियां, जमीन, मकान, यंत्र, अदृश्य संपत्तियां, ख्याति, पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, विनियोग या चालू संपत्तियों का समावेश किया जाता है। तीसरा जो प्रकार है खातों का वो है उपज खर्च खाता या जिसे अपने अवास्तविक खाता कहते हैं। कौन सा खाता, अवास्तविक खाता, इन इंग्लिश इट्स कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, अंग्रेजी में उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। इसके अंदर 2 प्रकार के खाते आते हैं, आय व्यय के खाते और व्यापार के आय व्यय खाते और लाभानि खाते से संबंधित। ये सभी खातों का समावेश, जो उपज और खर्च से संबंधित हो, उपज और खर्च में व्यापार खाते से संबंधित उपज और खर्च और लाभानि खाते से संबंधित उपज और खर्च, इन सबका समावेश उपज खर्च खाते के अंदर किया जाता है। उपज खर्च खाते में भी 2 प्रकार के खाते हैं, उपज के खाते और खर्च के खाते। जो आपको प्राप्त होता हो, धंधे को मिलता हो, प्राप्त होता हो, तो वह सभी धंधे के लिए उपज कहलाती है। तो धंधे में से चुकाया जाता है और किसी को दिया जाता है तो वो धंधे के लिए क्या होता है, खर्च होता है। उपज के खाते में आता है प्राप्त ब्याज, प्राप्त बट्टा, प्राप्त भाड़ा या मिला डिविडेंड, ये उपज के खाते हैं। और वेतन, मजदूरी, डाक खर्च, स्टेशनरी खर्च, बीमा खर्च, विज्ञापन खर्च, इन सभी का समावेश खर्च के खातों के अंदर किया जाता है। क्लियर? ओके, तो होप सो कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो टोटल अपने खाते के कितने प्रकार, 2, कौन कौन सा, व्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाता, अव्यक्तिगत खाते में माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाता, व्यक्तिगत खाता यानी व्यक्ति, फर्म, निगम, संस्था और कंपनियों से संबंधित खाते को व्यक्तिगत खाता कहते हैं। व्यक्तिगत खाते के कितने प्रकार हैं, 3,
प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता यानी नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, प्राकृतिक, कृत्रिम और प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। ओके, फिर अव्यक्तिगत खाते के अंदर कितने प्रकार हैं? अव्यक्तिगत खाता यानी क्या? जो व्यक्तिगत खातों को छोड़कर अन्य सभी खाते अव्यक्तिगत खाते होते हैं। अव्यक्तिगत खाते के अंदर आता है वास्तविक खाता और अवास्तविक यानी माल संपत्ति खाता, उपज खर्च खाता। माल संपत्ति यानी वस्तु संपत्ति या अधिकारों से संबंधित खातों को माल संपत्ति कहते हैं। ये सभी माल के खाते हैं, ये सभी संपत्ति के खाते हैं। उपज खर्च खाता यानी अवास्तविक खाता, आय व्यय से संबंधित या व्यापार और लाभानी खाते के खर्च और आय से संबंधित खातों को उपज खर्च खाता कहते हैं। इसमें उपज के खाते और खर्च के खाते जो आपको प्राप्त होता है, मिलता है, वो अपने लिए उपज है, उपज का समावेश उपज खर्च खाते में होता है। और खर्च जो चुकाते हैं, देते हैं, वो वेतन, अवेतन, मजदूरी, डाक खर्च, ये सभी अपने लिए क्या है? खर्च है। ओके, तो इस प्रकार आप खातों के प्रकार को व्यवस्थित समझ सकते हैं। इनके ढेर सारे उदाहरणों को व्यवस्थित देखिए, कौन सा खाता किसमें समावेश होता है। खातों के वर्गीकरण से संबंधित जो प्रश्न दिए उनको व्यवस्थित सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको व्यवस्थित समझ में आ जाएगा। व्यक्तिगत खाता, माल संपत्ति खाता और उपज खर्च खाते की परिभाषा को खास समझे कि इनमें किन किन प्रकार के खातों का समावेश किया जाता है। होप्स हो कि आपको ये खातों का वर्गीकरण व्यवस्थित समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।